आपने कोई नया मोबाइल लिया है और आप चाहते हो कि सारे ओल्ड फोन के कॉन्टेक्ट्स जो है वो न्यू फोन में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए, जबकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओल्ड फोन से न्यू फोन में कॉन्टेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपने सिम में भी सेव कर रखे हैं तो भी आपके जो कॉन्टेक्ट है वो सब आ जाएंगे, चाहे जीमेल में कर रखे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डायरेक्ट। सबसे पहले कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टू डॉट पे क्लिक करना है। देन सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, सो इस पर क्लिक कर देते हैं। देन इंपोर्ट फ्रॉम अनदर फ़ोन पे क्लिक कर देना है। अब जो दूसरा मोबाइल है उसका ब्लूटूथ ओपन कर लेना है। ब्लूटूथ ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ब्लूटूथ का। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आ चुका है दूसरे मोबाइल का, सो इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसफरिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हैं ओल्ड फ़ोन के, सारे कॉन्टैक्ट न्यू फ़ोन में आ चुके हैं। सो जो हमारे ओल्ड फ़ोन में जो जीमेल थी उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपके पास कौन सी जीमेल थी, सो मैं इस मोबाइल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाली जीमेल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इंपोर्टिंग दिखा रहा है। सो जो मेरे सारे कॉन्टैक्ट हैं ओल्ड ओल्ड फ़ोन के, वो सारे जा रहे हैं न्यू फ़ोन में। सो थोड़ी देर वेट करते पे आप देख सकते हैं 1326 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके मैं हैं। होप करता हूँ वीडियो यहाँ तक काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फ्रीडम।